हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन रेलवे के कुछ और सब्सिडरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सिडरीज़ के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं सारे सब्सिडरीज़ को ख़त्म कर दूंगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब्सिडरी से जितने भी पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं सारे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करूँगा। आप मेरा सेकेंड एंड थर्ड क्लास का वीडियो जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सब्सिडरी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके एग्ज़ाम के लिए ना रह जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। जो हमने टॉपिक लिया है वो है RLDA। सो RLDA क्या करता है इंडियन रेलवे के लिए? इसका जो मेजर वर्क होता है वो ये होता है कि जो हमारे एसेट्स, जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है इंडियन रेलवे के वैकेंट लैंड से, जैसे कि आप जान सकते हैं कि रेलवे कॉलोनीज जो बनाई जाती हैं, वो सारी रेलवे कॉलोनीज में हमको शॉपिंग मॉल्स बनाने होते हैं, हमें ATMs बनाने होते हैं, मेडिसिन कॉर्नर होते हैं, बजट होटल्स वगैरह भी हम लोग बनाते हैं, ताकि जो रेलवे एम्प्लॉय या रेलवे का जो वर्क है वो प्रोग्रेस में चलता रहे। ये काम जो है वो RLDA करता है। RLDA को जो मेजर प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो हैं वर्ल्ड क्लास न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट, और देहरादून जो रेलवे स्टेशन है उसका भी रीडेवलपमेंट RLDA करेगा। RLDA इंडियन रेलवे के लिए बुक स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट, जो भी हम स्टेशन्स में भी देखते हैं या स्टेशन्स के बाहर देखते हैं, जो भी वैकेंट लैंड पे डेवलपमेंट करना है वो सारा RLDA करता है। एक तरीके से RLDA हमको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि इंडियन रेलवे का रेवेन्यू जनरेशन भी होता है। और ये RLDA एक तरीके की स्टैचुरी बॉडी है, ये इंडियन रेलवे के डायरेक्टली रजिस्टर्ड कोई PSU नहीं है, ये सिर्फ बोर्ड के द्वारा बनाया गया एक स्टैचुरी अथॉरिटी है। सो RLDA के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारी सब्सिडरी है वो है राइड्स। सो राइड्स बेसिकली क्या करता है? इंडियन रेलवे के जो भी मेजर कंस्ट्रक्शंस होते हैं या मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी का काम राइड्स संभालता है। राइट्स ने बहुत ही सारे मेजर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है इंडियन रेलवे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी मेट्रो रेलवेज है, नागपुर मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो एंड मुंबई मेट्रो, इनके डिज़ाइनिंग का जो भी काम है वो राइट्स करके दे चुका है। और राइट्स बहुत तरीके के काम करता है। मेजर काम जो इसका इंडियन रेलवे में है वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड होता है, और एयरपोर्ट, पोर्ट एंड हाईवेज, ये सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलवे से बाहर के हैं, उनके काम भी राइट्स लेता है। लास्ट वीडियो में मैंने इरकॉन के बारे में डिस्कस किया था, तो इरकॉन के बारे में मैंने बताया था आपको कि इरकॉन जो है वो मेजर जो काम करता है इंडियन रेलवे के लिए, वो ट्रैक लिंक का काम करता है। इसी तरह जो राइट्स है ये मेजर जो काम करता है, ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करता है। एक और सब्सिडरी इंडियन रेलवे की जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है वो है कोर। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो राइट्स के बारे में आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है और ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी है। इसने बोगी बिल को बनाया है, बोगी बिल का जो डिज़ाइनिंग है उसको बना के दिया है, और राइट्स सिर्फ डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी का ही काम करती है, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती है। ये कुछ वैगन्स का भी कंस्ट्रक्शन करती है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, वो इंडियन रेलवे को सप्लाई नहीं होते हैं। वो बाहर की जो रेलवेज हैं जो राइट्स को प्रोजेक्ट देती हैं वैगन्स डेवलपमेंट के लिए, या इंजन डेवलपमेंट जो लोकोमोटिव्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको भी राइट्स लेता है। सो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको टिक मार सकें। राइट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट PSU जो रेलवे के अंडर आता है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुड़गांव में है। चलिए, आई होप राइट्स रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट जो हमारा सब्सिडरी है वो है IRFC। सो IRFC का बेसिक काम इंडियन रेलवे में ये होता है कि अगर इंडियन रेलवे को कभी भी अपने एक्सपेंशन के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या रनिंग के लिए कोई भी पैसे की दिक्कत होती है, सो वो IRFC से कांटेक्ट करती है और IRFC मार्केट से पैसे को रेस करता है। IRFC 1986 में बना था और इनिशियली ये जो पैसे को इकट्ठा करता था वो लोन्स लेता था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से और बॉन्ड्स को इशू करता था मार्केट में, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स से उसको पैसे मिलते थे। रिसेंटली IRFC ने शेयर मार्केट में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ये बात आप लोग को करंट अफेयर्स के टॉपिक से भी याद रखनी है। इससे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है तो ये आ सकता है कि IRFC जो है वो शेयर मार्केट में कब से उतरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2021 में IRFC ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को जारी किया है और इसके बाद से शेयर मार्केट में IRFC को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इसलिए IRFC शेयर मार्केट से काफ़ी पैसे को उठा चुका है और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि IRFC शेयर मार्केट से पैसा अभी ही उठाने स्टार्ट किया है, जस्ट इन दिस ईयर फ्रॉम जनवरी। सो चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा सब्सिडरी इंडियन रेलवे का वो है RVNL। सो RVNL का जो अनाउंसमेंट है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2002 में रेड फोर्ट से किया था और ये जो स्कीम थी जिसके तहत RVNL को बनाया गया है, सो वो थी राष्ट्रीय रेल विकास योजना। इसके तहत RVNL का जो इम्प्लीमेंटेशन और इस्टेब्लिशमेंट है वो इसी स्कीम के तहत हुआ था। इसमें जो मेजर वर्क RVNL को दिया गया था वो था इलेक्ट्रिफिकेशन का कंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि राइट्स जो है वो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए डिज़ाइनिंग की कंसल्टेंसी देता है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडियन रेलवे की बाकी कंपनीज करती है, जैसे कि RVNL और कोर करता है। कोर जो है वो मेजरली सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन का ही काम करता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन कोर करता है, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है कंपनी वो है RVNL। सो RVNL जो है वो गॉज कन्वर्जन, मतलब जो कि हमारा मीटर्ड या नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करती है। सभी को पता होगा हमारे इंडिया में जो तीन तरीके की लाइन है, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। सो नैरो गेज लाइन को अब निकाला जा रहा है, वो कम्प्लीटली वो उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, इसलिए सारी लाइंस को अब ब्रॉड गेज कन्वर्ट करना है और जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके लिए भी ब्रॉड गेज का होना ज़रूरी है, इसीलिए सारी लाइंस को अब ब्रॉड गेज किया जा रहा है। सो जो गॉज कन्वर्सन है वो RVNL के तहत आता है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कंस्ट्रक्शन है उसके भी कुछ प्रोजेक्ट्स को RVNL करता है। इन सारी PSUs के बीच में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक PSU मैंने कंस्ट्रक्शन की इरकॉन को बताया था जो कि ट्रैक लिंक का काम करती है। राइड्स जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो डिज़ाइनिंग है उसका काम करती है, और RVNL एंड कोर जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए मेजर वर्क्स को करती है। RVNL ने जो और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली तिलक ब्रिज है एंड खोदरी अनूपपुर ब्रिज है जो बिलासपुर में, ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी RVNL ने किया है। सो RVNL भी एक इमर्जिंग PSU है जो राष्ट्रीय रेल विकास योजना के तहत इसको बनाया गया था, जैसे कि DFCIL को बनाया गया था 2006 में, उसी तरह RVNL को जस्ट उसके पहले बनाया गया है थोड़ा 2002 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और ये सारे PSUs को आप लोग रिलेट करके पढ़ते रहिए तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे। चलिए आई होप आपको RVNL के बारे में समझ में आ गया होगा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोर। कोर के बारे में भी मैंने पीछे बताया कि जो कोर है वो मेजरली इंडियन रेलवे के सारे इलेक्ट्रिफिकेशन काम को करता है। अब कोर के बारे में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कोर जो है
वो अभी तक जो हमारा ब्रॉड गेज नेटवर्क है इंडिया का, जो अराउंड 70,000 किलोमीटर है, उसका 71% है, प्रॉक 71%, जो कि 45,000 या 46,000 आप कह सकते हैं किलोमीटर होता है, इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कोर ने किया है। कोर ने अभी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, जिसमें वो पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क जो इंडियन रेलवे का है उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला है अराउंड 2023 एंड 24 तक। कोर का जो मेजर वर्क होता है इंडियन रेलवे में वो सिर्फ यही है कि हमें सारी ब्रॉड गेज लाइंस को इलेक्ट्रिफाइड करना है ऑन एसी सिस्टम। जो हमारा कोर है वो एसी ट्रैक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन करता है। डीसी लाइन अभी इंडिया में बहुत कम जगह ही यूज़ होती हैं, जैसे कि कोलकाता मेट्रो में यूज़ होती हैं। सो कोर जो है हमारा एसी ट्रैक्शन का काम करता है और हमारी ब्रॉड गेज लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन कोर के ही अंडर आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एम है कोर का, वो 2023 या 24 तक कंप्लीट होगा और 71% ऑफ टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क को कोर इस वक्त इलेक्ट्रिफाइड कर चुका है ऑन एसी ट्रैक्शन। आई होप आपको कोर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं या ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं उनको पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है वो नेक्स्ट वीडियो के अपलोड के वक्त मैं आपको दे दूँगा। सो आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते रहिए और हमारे लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।